हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। सब क्वेरीज के बारे में हम आज जानने वाले हैं, तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करते हैं और समझते हैं कि सब क्वेरी क्या होती है। देखिए, क्वेरी के अंदर जो क्वेरी बन जाए उसे कहते हैं सब क्वेरी। क्वेरी के अंदर क्वेरी, दिस इज कॉल्ड सब क्वेरी। तो वी आर गोइंग टू क्लिक हियर बिकॉज ऑफ द ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस, तो यहां पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर बाय डिफॉल्ट एक नेम आ रहा है, डेटाबेस 79, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसका नाम चेंज करें तो आप नाम चेंज भी कर सकते हैं, फिलहाल यही रखता हूं मैं और क्रिएट पर कर देता हूं क्लिक। जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया सिनेरियो आएगा, आपको व्यू पे जाना है और यहां से आ जाना है डिजाइन व्यू पर, ठीक है। डिजाइन व्यू पर टेबल का नाम दे देना है, लाइक यहां पर मैं कर देता हूं स्टूडेंट टी, यानी स्टूडेंट का टेबल हम बना रहे हैं तो ये स्टूडेंट टी हमने लिख दिया है, ठीक है। अब यहां पर आएगा स्टूडेंट का रोल नंबर, क्योंकि ये है प्राइमरी की, तो यहां पे लिख देता हूं मैं रोल नंबर। कुछ इस तरीके से आपको भी लिख देना है रोल नंबर, और यहां पे ऑटो नंबर ही रहने देता हूं मैं, और यहां पर नेम ऑफ स्टूडेंट कर देंगे हम। तो यहां पे कर देते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये हमने लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, नेम ऑफ स्टूडेंट जैसे ही हम लिख लेते हैं तो फिर हमें आना है नीचे, ठीक है। अब इसमें देखिए हम करेंगे क्या, देखिए हम क्या करते हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट लिख दिया है हमने, रोल नंबर लिख दिया है, रोल नंबर और नेम ऑफ स्टूडेंट लिखने के बाद डायरेक्टली इसको सेव कर लेते हैं हम। तो ये सेव पे क्लिक कर दिया, ये सेव हो गया, व्यू पे क्लिक कर देते हैं, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें बहुत सारे नाम फिल कर लेने हैं, ठीक है, तो यहां पर कुछ नाम मैं फिल कर लेता हूं। सेव करने के बाद क्या करना है, वापिस आते हैं डिजाइन व्यू पर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग और हमें करना है, यहां पर हमें एडमिशन या रजिस्ट्रेशन की डेट लिख देनी है, तो यहां पर लिखता हूं मैं रजिस्ट्रेशन डेट, ठीक है। तो ये लिख लिया रजिस्ट्रेशन डेट, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन डेट लिखेंगे तो यहां पर आएगी रजिस्ट्रेशन वाली डेट, तो यहां पर आप रजिस्ट्रेशन वाली डेट मेंशन कर सकते हैं। डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम चूज कीजिए और रजिस्ट्रेशन की डेट यहां पर डाल दीजिए, तो जो भी रजिस्ट्रेशन की डेट है वो यहां पर आएगी। यहां पर कैलेंडर आपको मिल जाता है, यहां से आप रजिस्ट्रेशन की डेट डाल सकते हैं, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन का डेट रहा हो वो डेट आप डाल दीजिए। मैं कुछ डेट फिल कर देता हूं, आप देख सकते हैं इस तरीके से, तो यहां पे देख सकते हैं कुछ डेट भी हमने फिल कर लिया है। इसको सेव कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। स्टूडेंट का जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, यानी कि फादर्स नेम मदर्स नेम, उसके लिए हम एक अलग टेबल बनाएंगे। तो यहां पे टेबल पे जाएंगे और यहां से व्यू पे क्लिक कर देंगे और यहां पर स्टूडेंट इन्फो कर देता हूं, INFO। तो ये स्टूडेंट इन्फो के नाम से हमने एक और टेबल बना ली है, ठीक है, देख सकते हैं यहां पर आईडी आ रही है, ठीक है, इसको आईडी ही रहने देते हैं। और यहां पर एक कॉमन फील्ड होनी बहुत जरूरी है, तो यहां पर रोल नंबर कॉमन है दोनों के बीच में, जिसे हमने प्राइमरी के बनाया था पहले टेबल में, यानी स्टूडेंट टी वाले टेबल में हमने प्राइमरी के बनाया था इसे। तो यहां पर इसे नंबर डेटा टाइप रख करके नेम ऑफ फादर इस तरीके से आपको भी लिख देना है नेम ऑफ फादर, और नेम ऑफ फादर लिखने के बाद यहां पर शॉर्ट टेक्स्ट रहेगा, फिर यहां पर नेम ऑफ जो भी आपको आगे, जैसे मान लीजिए आप एड्रेस देना है तो ये एड्रेस दे दीजिए, अगर मदर्स नेम है तो मदर्स नेम भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये दे दिया हमने और यहां से व्यू पे क्लिक किया और इस तरीके से इसको यस कर दिया। अब आप देखेंगे ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, ये जो रोल नंबर है यहां पर 1 रखते हैं, क्योंकि पहले वाले टेबल में जो मेन टेबल है इसकी, यहां पर भी हमने, वहां पर भी हमने 1 रखा था, ठीक है। तो यहां पर कुछ नाम एंटर कर देता हूं फादर्स नेम में, ठीक है, यहां पर एड्रेस एंटर कर देता हूं, ये एड्रेस है इनका, ओके। यहां पे कुछ नाम भी फिल करा लिया हमने और सेव भी कर लिया है, और इसको यहां से क्लोज कर देता हूं। तो ये दो टेबल हमारे पास हो गई है। रिलेशनशिप के लिए हम डेटाबेस टूल्स पे जाएंगे और यहां से रिलेशनशिप हम क्रिएट करवा सकते हैं। तो यहां पे ये टेबल और ये दोनों टेबल हमने ले लिया, और इस वाले टेबल का रिलेशनशिप हमें इससे क्रिएट कराना है। तो यहां पर ये जो रोल नंबर है आप इसको यहां से उठाइए और यहां इसके सामने ला करके रख दीजिए, तो ये रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगी। यहां पर तीनों पर टिक कर दीजिएगा, इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स, कास्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स, 1-to-many रिलेशनशिप ये बिल्ड हो जाएगी। और फिर इसको सेव करके और फिर हमें क्या करना है, इसके लिए क्वेरी डिजाइन करनी है। तो अब हम क्वेरी कैसे डिजाइन करेंगे, जैसे कि ये हमने सेव कर लिया, अब इसको हम यहां से क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, तो ये बंद कर दिया। अब क्वेरी डिजाइन करने के लिए क्रिएट पे जाना है और क्वेरी डिजाइन पे जाना है। जैसे ही क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे तो यहां पर इन दोनों फील्ड्स को हमें लेना होगा, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों फील्ड्स आप ले लीजिए, और लेने के बाद क्या करना है, यहां पे रोल नंबर को लेना है। तो ये रोल नंबर आपका हो गया, ठीक है, नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया, और यहां पे रजिस्ट्रेशन डेट, तो अभी हमें रजिस्ट्रेशन डेट नहीं, यहां पर फादर्स नेम लेना है
और एड्रेस लेना है, फिर हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट ले लेते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन डेट ले लिया हमने, ठीक है। अब इसको यहाँ से रन करवा देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सारी चीजें एक साथ आ रही है, ठीक है। तो यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब इसके लिए सब क्वेरी कैसे डिजाइन की जाए, इसको मैं सेव कर लेता हूं, ठीक है, स्टूडेंट क्यू के नाम से, स्टूडेंट क्यू, ठीक है। तो ये हमने सेव कर लिया स्टूडेंट क्यू के नाम से। इस क्वेरी में हमने फादर्स नेम भी ऐड किया है, तो सपोज कीजिए फादर्स नेम है। तो अभी क्वेरी तो हमने बना ली, तो क्वेरी तो आपको समझ में आई रही होगी, क्वेरी तो बहुत आसान है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सब क्वेरी डिजाइन करते हैं, यानी क्वेरी के अंदर क्वेरी। तो यहां पर क्रिएट पे चलेंगे और क्वेरी डिजाइन पे आ जाएंगे। तो ये क्वेरी डिजाइन आपको दिख ही रहा है, तो यहां से क्वेरी को लेना है। तो ये क्वेरी जो है इसको हम ले लेते हैं, ये ले लिया हमने, ऐड करवा लिया इसको। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या चीजें हमें लेनी है वो देखना है। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं स्टूडेंट का नाम, ये ले लिया, और ले लेते हैं रजिस्ट्रेशन की डेट, ये दो चीजें हम ले लेते हैं, ठीक है। और यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा टोटल, क्वेरी के अंदर क्वेरी बनानी है, यानी कि सब क्वेरी बनानी है। तो टोटल पे कर दीजिए क्लिक, और जैसे ही टोटल पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप बाई आएगा। तो ग्रुप बाई में क्या करना है, ग्रुप बाई पे जाएंगे तो ड्रॉप डाउन दिखेगा, ये ड्रॉप डाउन आपको दिख रहा होगा, यहां पर चले जाइए और यहां पर आकर के काउंट कर लीजिए, इसे काउंट करते हैं, ठीक है। सेव कर लेता हूं मैं इसको, ये यहां पर सब क्यू के नाम से सेव करता हूं, सब क्वेरी, ठीक है। तो ये हमने इसको सेव कर लिया, अब ये सब क्वेरी बन गई है। यहां पर देखेंगे तो देखिए गौरव नाम एक बार आया है, ठीक है। अब ये नाम कैसे आया, ये कैसे पता चलेगा, यहां स्टूडेंट टी वाली टेबल को ओपन कर लेता हूं। गौरव नाम देखिए इसमें जो है 19 नाम कुल है, तो गौरव कितनी बार आया है, ये राम है, रितेश है, जावेद है, नगमा है, हिना है, मोनिका है, उमेश है, उमेश दो बार आ गया है, ठीक है, राजू है, गौरव यहां पर आया हुआ है लेकिन और कहीं गौरव नहीं आया हुआ है, यानी गौरव एक ही बार आया हुआ है, ठीक है। इसको हम सब क्वेरी बोलते हैं। अब ये हमारी क्वेरी पे फिर आते हैं, सब क्वेरी जो हमने बनाई, यहां पर देखिए हीना दो बार आया है, तो क्या हीना वास्तव में दो बार आया है कि नहीं, इसे चेक करना होगा। तो यहां स्टूडेंट टी वाले टेबल पे चलते हैं और यहां पर चेक करिए, हीना एक बार हीना आया यहां पे, और फिर यहां पर नीचे आते हैं, यहां पर देखिए ये दूसरी बार आया हुआ है, ठीक है। इसमें हम तरीके से अब सब क्वेरी बना सकते हैं। आई होप की बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।